हटाना भी जानते हैं। हम लोग मंत्री बनाए हैं तो हम लोग हटाना भी जानते हैं। नहीं मांग हम लेकर रहेंगे, बल्कि करो या मारो का नारा होगा जल सहिया का। जब तक मान दे जो भी है नहीं देंगे तब तक नहीं हटेंगे। आज तक क्यों 2 रुपया को देने नहीं सक रहे हैं, जब काम करवाने सकते हैं। हम इस सवाल करना पूछना चाहते हैं मिथिलेश ठाकुर से, आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की है? क्या पढ़ने नहीं जानते हैं, अंधा है क्या? मुख्यमंत्री बने हैं तब से हम लोग को 1 रुपया नहीं दिए हैं, वो भी बोले कि प्रोत्साहन राशि देंगे। 1940 रुपया कौन हिसाब से भेजे सर? हम लोग का 36 महीना से मानदेय बाकी है सर, कौन हिसाब से 1940 रुपया हम लोग को भेजे हैं? क्या समझ के भेजे हैं? लेकिन हम लोग भी कमजोर नहीं है, अब की बार चुनाव में बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उसका जवाब देंगे सर। अगली बार इनको कोई उम्मीद नहीं है जीतने का, हारेंगे तो हारेंगे। एक घर में यदि हम लोग नौकरानी भी रखते हैं तो 2000 से नीचे का बात ही नहीं करती है, तो हम लोग जिनको 1000 देंगे तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? काम नहीं चलेगा सर, 1000 में हम लोग काम नहीं करेंगे, 1000 में हम लोग काम नहीं करेंगे। झारखंड राज्य जल सहिया संघ का जल सहिया की नौकरी स्थायी करने, 5 लाख का बीमा करने आदि 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 सप्ताह से राजभवन रांची के समक्ष चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मंगलवार को गढ़वा जिला के सैकड़ों जल सहिया शामिल हुए। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे लगाए, अपने हक की आवाज बुलंद किया। जल सहिया समिति के जिला अध्यक्ष मालती देवी के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे जल सहियों को संबोधित करते हुए संघ के प्रधान संरक्षक सह भाजपा नेता सूरज प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जल सहिया की सभी मांगे जायज है। इनकी मांगों पर हेमंत सोरेन सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा ये महिलाएं अपने हक की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने को मजबूर होंगी। सर हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, जब जमीनी स्तर पर इतना काम किए हैं, अब सर्वे का काम किए हैं 2011, तो आज तक क्यों 2 रुपया को देने नहीं सक रहे हैं? जब काम करवाने सकते हैं, हम अपना बच्चे को लेकर के घुमा के किए हैं सर्वे, उसमें भी क्या कहते हैं? सर्वे के लिए हम बता रहे हैं, सर्वे करने के लिए जाइएगा ना गाँव में तो बोलते हैं किसी का घर तो 1 दिन में दे देता है, किसी का घर में ना, अरे दीदी मोठन टाइम है कि मैं तो के एक एक खोज के दे दबू, मोठन टाइम ना खे 1 दिन कर बाद में आबे। हाँ वो समय ऐसे करके एक ऑनलाइन सर्वे के लिए हम लोग को 10 दिन जाना पड़ रहा था, तो आज उस 2 रुपया को भी क्यों देने का दम नहीं? हम क्यों बोलेंगे, क्यों सवाल नहीं करेंगे मिथिलेश ठाकुर से? अब जब हम लोग को 1000 जो रघुवर दास ने मानदेय के रूप में लिया दिए थे और प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा था उसको क्यों आज छीन लिया गया? हम सवाल करते हैं सवाल से सरकार से। हमारा कहना है कि जब हम काम करते हैं जमीनी स्तर में और उन लोग बैठ के देखते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर से काम करता है वही जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। हर सवाल हम पूछेंगे मिथिलेश ठाकुर से कि काम करते हैं जल सहिया और उसका दम क्यों नहीं मिलता है, और जो हम लोग जिस मांग को लेकर के आए हैं, हम लोग को 40, 45, 46, 47 कोई दीदी को 1 रुपया नहीं मिला है, तो कारण क्यों है? जब हम 1 दिन काम करने नहीं जाते हैं तो हम लोग का PhD मंत्री बोलते हैं, चाहे PhD के जो कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं कि दीदी आप क्यों काम नहीं करते हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। आज जब इतना महीना से हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है, क्यों FIR दर्ज नहीं करते हैं? हम इस सवाल करना पूछना चाहते हैं मिथिलेश ठाकुर से, आज तक क्यों कार्रवाई नहीं किए? जब हम इतना काम करते हैं, जब प्रोत्साहन राशि को, जब सर्वे को 2 रुपया को देने नहीं सके, बात करते हैं बड़े बड़े, सवाल करते बीच में वापस में रहते, हम उसका सवाल का जवाब देते और क्या सवाल करना चाहते हैं, और लेकिन हम भी सवाल करते ऐसे है। और जो हम लोग का मांग है, हम लोग का मांग है कि हम लोग को जो 1000 रुपया लागू था उसको तो बकाया है उसको दिया जाए, और हम लोग को जो 5 सूत्रीय मांग है और जो हेमंत सरकार ने हमको न्यूनतम मजदूरी के रूप में आह्वान किए थे उसको दिया जाए। मिथिलेश ठाकुर के यहाँ तो हम लोग नहीं गए थे, लेकिन देखिए मिथिलेश ठाकुर का आवाज़ नहीं जाने से क्या होगा, हर जगह उनको लेटर दे रहे हैं, क्या पढ़ने नहीं जानते हैं, अंधा है क्या? सबका छोटा छोटा के लिए FIR दर्ज करते हैं, पर आज जल सहिया कब नहीं दे रहे उसके लिए क्यों FIR दर्ज नहीं करते हैं मिथिलेश ठाकुर? नहीं मांग हम लेकर रहेंगे, बल्कि करो या मारो का नारा होगा जल सहिया का, जब तक मान दे
नहीं देंगे तब तक नहीं हटेंगे, ये हम लोग का वादा है। जबकि हम लोग जमीन स्तर से इतना काम किया है, क्यों डरेंगे? हम अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे। उनको घेराव करेंगे, नहीं देंगे तो घेराव करेंगे, उनसे हम लेकर ही रहेंगे, नहीं लिया बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। आह्वान, हम लोग का अधिकार, बस हम लोग का अधिकार चाहिए सर। हम लोग क्या नहीं किए सर, झाड़ू लगाए, गटर साफ किए, प्लास्टिक चुने, जहाँ तक कि जो भी शौचालय का काम हुआ, मॉर्निंग फॉलो, संध्या में मतलब सिटी तक बजाए, उसका फूल माला से स्वागत किया, जो भी सोच करने बाहर जाता था, इस तरह से करके सर हम लोग गांव में लड़ाई हुआ, मारपीट तक हम लोग का जलसहिया के साथ हुआ सर। मतलब गांव देहात में लोग को समझाना, जागरूक करना कितना मुश्किल होता है सब। हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं सर, और इतना मुश्किल काम करके हम लोग गाँव, अपना जितना भी क्षेत्र है सब जलसहिया दीदी मिल के ODF किए हैं सर। और उसके बाद जो ये है जल जीवन मिशन, उसमें भी हम लोग कम से कम एक घर में हम लोग को 20 बार 10 बार जाना पड़ता है समझाने के लिए कि आप कनेक्शन करवाइए, आप ये पानी लीजिए, इसके लिए जाना पड़ता है सर। सब काम करना पड़ता है हम लोग को, घर में बच्चा है, पति, सबको देखते हुए। हम लोग एक लेडीज है सर, और हम लोग का इतना 12 साल से काम करें, अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर, कौन सा नौकरी करेंगे? अब हम लोग को तो कहीं जाने वाला नहीं है। अब हम लोग को इतना दिन हेमंत सरकार हम लोग का सृजन यही किए, और हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बीच में रघुबर दास आए, वो हम लोग को 1000 मानदेय के रूप में लागू किए, कुछ दिन मिला सर। जब से हेमंत सरकार की मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हम लोग को 1 रुपया नहीं दिए हैं। वो भी बोले कि प्रोत्साहन राशि देंगे, 1940 रुपये कौन हिसाब से भेजे सर? हम लोग का 36 महीना से मानदेय बाकी है सर, कौन हिसाब से 1940 रुपये हम लोग को भेजे हैं? क्या समझ के भेजे हैं? हम लोग को सम्मानजनक वेतन चाहिए सर, और कुछ नहीं। और जितना भी PID का कार्य है सब हम लोग के थ्रू होना चाहिए। हम लोग का हर दिन हम लोग का काम, जैसे अभी हुआ शौचालय को देख रेख जलसहिया को करना है, आंगनबाड़ी में जाओ तुम लोग गर्भवती महिला को माहवारी समझता और जो मिलता है ना उसके समक्ष भाग लो, हर स्कूल में जाओ बच्चों को देखो, नाखून कटवाओ, वहाँ पर हाथ धोने का करा करम, सुबह खाना मतलब खाना खाने के पहले और शौच के बाद, ये हम लोग हाथ धोने का प्रक्रिया डेली स्कूल में करवाते हैं। डेली हम स्कूल में जा करके फील्ड करते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, ग्राम सभा करके कहते हैं हम, मतलब हर गांव-गांव जा करके इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को काम दिया गया है तो हम लोग जब महीना भर काम करते हैं तो हर महीना का काम हम लोग को विभाग आके जांच करे कि क्या हम लोग काम करते हैं नहीं करते हैं। हम लोग का काम अनुसार हम लोग को दाम मिलना चाहिए, और ये नहीं कि जो विभाग है सो आदेश दे देती है और आदेश देने के बाद भी हम लोग को मांगे पूरी नहीं करती है और वहाँ जाँच भी नहीं करते। इसलिए कि विभाग आके हम लोग का जाँच करें और हम लोग को सही पूर्वक हम लोग काम करें, हम लोग का निर्देश पूर्वक काम लें उससे। और हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को जो है और हम लोग को मांगो संतोषजनक जो बोला गया है। क्या चाहते हैं सर? पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोकारो जिला की अध्यक्ष जलसहिया संघ की हूँ सर। मैं हम लोग का बहाली हेमंत सोरेन की जब सरकार थी तब हुई है 2011 में, लेकिन आज इतना साल हो गया फिर भी सरकार को जरा सा भी हम लोग पे ध्यान नहीं है। अच्छा, उनके विधायक क्या प्रोत्साहन राशि में काम करेंगे बताइए सर? आज हम लोग डोर टू डोर कोविड में घूमे हैं, घर घर जल नल का कनेक्शन करवाए हैं सर, आज पूरा पंचायत को ODF घोषित किए हैं, और आज हम ही लोग के साथ ये बर्ताव क्यों? वो आए थे, उनसे हम लोगों को बहुत आशा थी कि आज आए हम लोग के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इनका रवैया देख के लग रहा है कि ये हम लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग भी कमज़ोर नहीं हैं, अब की बार चुनाव में बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जवाब देंगे सर। आज आप सोचिए कि मैं एक जलसहिया हूँ, मेरे घर में 5 परिवार है, हर एक इतनी जलसहिया है, सबके घर में 5-5 है, आप जोड़ लीजिए कि कितना वोट कटेगा। आज हम लोग के लिए इतना अत्याचार हो रहा है। अब जब पैक में जब आए थे मिथिलेश ठाकुर, जब उनसे हम लोगों की बात हुई थी, आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है काम। खाली आश्वासन पे ही काम नहीं होता है सर। अगली बार इनको कोई उम्मीद नहीं है जीतने का, हारेंगे तो हारेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, हम लोग का 1000 क्या है? एक घर में यदि हम लोग नौकरानी भी रखते हैं तो 2000 से नीचे का बात ही नहीं करती है। तो हम लोग जिनको 1000 देंगे तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? जिसके घर में जो सक्षम है वो तो अपना सब काम करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जलसहिया है जो सक्षम नहीं है,
वो अपना घर का रोजी रोटी चलाएगी, खाना पीना चलाएगी या कि कुछ और करेगी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोड पर हेमंत सोरेन जी उतार दिए हैं सबको, कम से कम उनका जब वो हम लोगों का इज्जत नहीं रखेंगे तो फिर वो भाई है, इस झारखंड का बेटा है, गरीब की सरकार बनते हैं, गरीब का सरकार बनते हैं, तो उनका जब इज्जत नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका कहाँ इज्जत रह जाता सर। और एक चीज देखिए, अभी इलेक्शन आ रहा है ना, यही 1000 फिर चालू होगा और बोलेंगे कि वो हम किए, ये आप देख लीजिएगा। और 1000 में हम लोग का उचित नहीं, अब हम लोग को उचित मानदेय चाहिए, इस तरह काम नहीं चलेगा सर। 1000 में हम लोग काम नहीं करेंगे, 1000 में हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग मंत्री बनाए हैं तो हम लोग हटाना भी जानते हैं, हम लोग मंत्री बनाए हैं तो हम लोग हटाना भी जानते हैं, और हम लोग को कुछ नहीं संतोषजनक मानदेय चाहिए। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम लोग को और उनसे कुछ गिला सिखवा नहीं है, बस हम लोग को एक संतोषजनक मानदेय चाहिए, जितना बकाया राशि वो हमें वापस दे और संतोषजनक मानदेय। हम लोग कहीं जाते हैं तो मजदूरी हस्बैंड से पैसा मांग के हम लोग जाते हैं, भिंडे में जाते हैं तो वही करते हैं, घर में भी गाली खाते करते हैं, डोर टू डोर घूम के काम करके दिए हैं, चाहे वो शौचालय हो चाहे आज जल कनेक्शन हो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।